गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 24 जुलाई 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वन डे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू, तीनों ही प्रस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। तो आज का क्वेश्चन है कि हाल में ही चर्चा में रहे डेलाराम किस देश में है। अगर आप हमारा न्यूज एनालिसिस डेली ध्यान से देखते हैं तो हमने डेलाराम की भी चर्चा की है, और वीडियो के आखिर में मैं बता दूंगा कि डेलाराम किस जगह पे है और क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना है सबसे पहले, और वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे ही दें कि हाल में ही चर्चा में रहे डेलाराम किस देश में है। ऑप्शन ए भारत, बी ईरान, सी अफगानिस्तान या डी पाकिस्तान। तो इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आप दें, वीडियो के आखिर में मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। ओके, सेना में अब शक्ति को अस्थाई कमीशन। शक्ति यानी महिलाओं को सेना में अस्थाई कमीशन मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसको लागू कर दिया गया। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि आखिर अस्थाई कमीशन क्या होता। देखो, अस्थाई कमीशन मतलब होता है कि अगर आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो लगभग 60 वर्ष के आसपास में आपकी रिटायरमेंट हो जानी चाहिए। तो ये होता है कि अस्थाई कमीशन, यानी 30 वर्ष के लगभग नौकरी लोग करता, 30 से 35 वर्ष के, उसके बाद जो है आपको पेंशन मिलना चाहिए, आपको पीएफ मिलना चाहिए, वो सारी की सारी फैसिलिटीज आपको मिलनी चाहिए। अस्थाई कमीशन कैसे जाता है सेना में? एनडीए का नाम सुना होगा आपने, एनडीए के द्वारा जाता है। आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो देहरादून में है, वहाँ के माध्यम से अस्थाई कमीशन में जाता है। यानी एक उम्र की सीमा पर, नॉर्मली जो रिटायरमेंट की एज होता है उस एज तक जाकर के ये लोग भी रिटायर करते हैं। अस्थाई कमीशन क्लियर हो गया। तो अस्थाई कमीशन क्या है? इसको कहा जाता है एसएससी, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन। आई रिपीट, शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये महिलाओं को मिलता था, परमानेंट कमीशन में महिलाएं नहीं जाती थी। एनडीए के थ्रू आपने सुना भी नहीं होगा कि महिलाएं जाती है, राइट? या इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू महिला जाती है, ऐसा सुना भी नहीं होगा। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता था कि शॉर्ट टर्म के लिए 10 वर्ष के लिए नियुक्ति होगी आपकी सेना में। इसमें मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। 10 वर्ष के लिए आपकी नियुक्ति होगी, और 10 वर्ष के पश्चात आपको 4 वर्ष का जो है एक्सटेंशन मिल सकता है। 4 वर्ष और अधिक आप सेना में अपनी सेवा दे सकते हैं। तो इस तरह से टोटल 14 ईयर तक आप सेना में अपनी सर्विस दे सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद महिलाएं जो है परमानेंट कमीशन की ओर नहीं जा सकती थी। यानी एक महिला चाहती कि 14 वर्ष सेवा करने के बाद सेना में उनको परमानेंट कमीशन दिया जाए, तो वो नहीं दे सकती थी, वो नहीं बढ़ सकती थी आगे। जबकि पुरुषों को जो है उसे ये अधिकार था कि वो परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 14 वर्ष सेवा करने के बाद पुरुष परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, महिलाओं को ये अधिकार नहीं था। लेकिन हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है महिलाओं को यह अधिकार मिला कि महिलाएं परमानेंट कमीशन में डायरेक्ट भी जा सकती है और शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से भी परमानेंट कमीशन में जा सकती है। इसको लेकर के सबसे पहले केस फाइल किया गया था 2003 में, और 2020 में इसमें फाइनल डिसीजन आया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन आया और अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर जो 18 है, जो समानता का अधिकार है, इसका यह उल्लंघन है। भारत के संविधान के आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो समानता का अधिकार है, संविधान के द्वारा दिया गया महिलाओं और पुरुषों को समान, यह उसका उल्लंघन है। इसलिए महिलाओं को भी अस्थाई कमीशन मिलनी चाहिए। बाकी थोड़ा सा ये पॉइंट आप पढ़ लेना, ये जो अहम पॉइंट है इसको जाकर के एक बार आप देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं क्या है परमानेंट कमीशन। देखो, लोकतंत्र में असहमति का स्वर दबा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का कहना है।
कि लोकतंत्र में असहमति का स्वर आप दबा नहीं सकते। अब ये न्यूज़, इस पर हालांकि मैंने डिस्कस अभी तक नहीं किया है, लेकिन जो राजस्थान में हो रहा है उसको लेकर के आपको क्या क्या जानना चाहिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको। बाकी कल स्पीकर पे मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि स्पीकर की भूमिका आखिर यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऐसा जो कंडीशन होता है जब भी किसी भी राज्य में होता है, इससे पहले हमने देखा कि कर्नाटका में इस तरह का कंडीशन हुआ, उससे पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश में इस तरह का कंडीशन हुआ। तो किसी भी राज्य में अगर इस तरह का कंडीशन होता है, राजनीतिक क्राइसिस की कंडीशन होती है, एक दल से व्यक्ति छोड़ के दूसरे दल में जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में स्पीकर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स मेंस में भी क्वेश्चन पूछा स्पीकर पे, 18 या 19 में स्पीकर को लेकर के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा। तो कल मैं स्पीकर पे डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। बाकी आप जाकर के इस न्यूज के अकॉर्डिंग स्पीकर की भूमिका पढ़ लेना, साथ ही साथ पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 ये जाकर के पढ़ लेना। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 ये भी आपके लक्ष्मीकांत के किताब में मिल जाएगा, वहाँ पे दिया हुआ, उसको जाकर के पढ़ लेना। और तीसरा चीज़, इस तरह की अगर गतिविधि होती है तो सुप्रीम कोर्ट का अभी तक का क्या निर्णय रहा है उसको जाकर के आप देख लेना। बाकी मैं कल डिटेल से स्पीकर की क्या भूमिका है उस पर चर्चा कर दूंगा। ऐसी जो क्राइसिस आती है उस पर स्पीकर की क्या भूमिका है वो कल मैं डिस्कस कर दूंगा। और साथ ही साथ एक और पॉइंट आप देख लेना, वो 10th शेड्यूल क्या है, कब ये आया था और 10th शेड्यूल का बेसिक प्रावधान क्या है। तो ये तीन चीज़ें जाकर के निश्चित तौर पर देख लेना, ये आपके बेसिक बुक में मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत के किताब में मिल जाएगा। कल मैं आपको स्पीकर पे डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। लेकिन ये देखो, यहाँ पे जो चर्चा है ये चर्चा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ना। इसमें क्या कहा गया है कि जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट जी, उन पे ये आरोप लगाया गया है कि वो जो है पार्टी के मीटिंग में नहीं आते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है क्या पार्टी के मीटिंग में नहीं आने इस रीजन से क्या स्पीकर निलंबित कर सकता है उसकी विधायिका को, उसकी सदस्यता को, राइट। तो इस तरह का काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वाद विवाद यहाँ पे हुआ है स्पीकर को लेकर के। कपिल सिब्बल जी जो कांग्रेस की तरफ से थे और जो है मुकुल रोहतगी जो सचिन पायलट की तरफ से थे, तो इनको लेकर के काफ़ी वाद विवाद हुआ। एक बार जाकर के इसको देख लेना, कल स्पीकर पे मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। पूर्वोत्तर में देश के विकास का इंजन बनाने की क्षमता, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया है, एक मणिपुर में जल आपूर्ति योजना लॉन्च की है कि पानी किस तरह से सुनिश्चित हो सके मणिपुर के हर एक व्यक्ति के लिए। जहां पानी के लिए काफ़ी दूर लोगों को जाना पड़ता था, वहां उनके घर तक पानी पहुंच सके, इसके लिए यह योजना लाई है, मणिपुर जलापूर्ति योजना, क्लियर है। अब देखो यहां से मैं इम्पॉर्टेंट क्या है यहां पे कि पूर्वोत्तर आखिर भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मेंस का क्वेश्चन बनता है यहां, प्रीलिम्स का नहीं, मेंस का अधिक क्वेश्चन बनता है। तो इस दृष्टिकोण से मैं आपके सामने चर्चा करूंगा कि पूर्वोत्तर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर में कितना है, 8 राज्य हैं, 7 सिस्टर हैं, 7 सिस्टर, और उसके साथ साथ जो है एक अन्य राज्य हो आता है, वो आता है सिक्किम। 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं, और एक अन्य जो स्टेट हैं वो है सिक्किम। तो ये पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं। पूर्वोत्तर की जो राज्य है 5 देशों के साथ इनकी सीमा होती है, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल और म्यांमार। पूर्वोत्तर के केवल 30-35% भूमि ही समतल भूमि है यहाँ, यानी वहाँ पे खेती हो सकता है मात्र 30-35% भूमि पे, बाकी पहाड़ी पहाड़ है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया यानी आसियान के जो देश हैं उसका प्रवेश द्वार पूर्वोत्तर का, पूर्वोत्तर के राज्यों को कहा जाता है। अब देखो इसकी महत्ता क्यों है, 1990 के दशक में
भारत सरकार ने लुक लुक ईस्ट नीति लाई थी, यानी पूरब की तरफ देखो, यानी आसियान की तरफ देखो, और उसी को तत्कालीन सरकार ने एक्ट ईस्ट नीति के तौर में तब्दील कर दिया, एक्ट ईस्ट नीति, राइट। तो एक्ट ईस्ट नीति के अगर हमको सफलता पाना है तो वो सफलता हमको पूर्वोत्तर के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। देखो भारत की जो है, भारत का जो ये जैसे नक्शा है, जैसे मान लो ये है भारत, नक्शा तुम अच्छा से ड्रॉ नहीं किया, लेकिन एक मैं समझाने के लिए आपको कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पहाड़ है, हिमालय है, और यहाँ जो पश्चिम की सीमा है, ये सीमा हमको लगती है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान हमें एक्सेस देगा नहीं आगे जाने के लिए, पाकिस्तान के माध्यम से हम अफगानिस्तान नहीं जा सकते, मध्य एशिया में नहीं जा सकते, नीचे जो है ये पूरा पूरा समुद्र है। तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ, पूर्वोत्तर के जो देश हैं, जो म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, ये जो पांच देश हैं, ये पांच देश के साथ हमारा अच्छा संबंध है, और ये पांचों देशों के साथ हम स्थलीय सीमा के माध्यम से जा सकते हैं, यानी रोड के माध्यम से डायरेक्टली इस पांचों देश में हम जा सकते हैं। आसियान के जो पांच देश हैं जिसकी भारत के साथ स्थलीय सीमा है, कौन से हैं? सबसे पहले तो है आपको म्यांमार। देखो ये मैप जाकर के देख लेना, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपको अपने मैप पे जाकर के ये देखना चाहिए। पूर्वोत्तर के माध्यम से, यानी हम नॉर्थ ईस्ट राज्यों के माध्यम से डायरेक्टली जा सकते हैं, बाय रोड कहाँ, तो म्यांमार जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं, कंबोडिया जा सकते हैं, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है कंबोडिया में, वहाँ जा सकते हैं, लाओस जा सकते हैं, और साथ ही साथ वियतनाम जा सकते हैं। तो आसियान के जो ये पांच देश हैं, इसकी भूमि टच करती है भारत के पूर्वोत्तर के साथ, भारत के पूर्वोत्तर जो है प्रवेश द्वार है, यानी हमें अगर एक्ट ईस्ट नीति को सफल करना है, आसियान के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना है, तो हमें पूर्वोत्तर भारत पे ध्यान देना पड़ेगा, पूर्वोत्तर भारत को समृद्ध करना पड़ेगा, पूर्वोत्तर भारत को खुशहाल करना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर स्टेट होता है आर्थिक रूप से अगर पिछड़ा होता तो उसका विकास सीमित होता है, उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये सारी की सारी व्यवस्था वहाँ पे जन्म लेती है जहाँ पे राज्य पिछड़ा होता, जहाँ पे लोग पिछड़ा होता। तो ऐसे कंडीशन में भी हमें जो पूर्वोत्तर भारत में जो उग्रवाद की समस्या है, अलगाववाद की समस्या है, उस समस्या के निपटने के लिए हमें आर्थिक विकास पे ध्यान देना होगा। साथ ही साथ पूर्वोत्तर जो है प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, यहाँ पे पेट्रोलियम है, यहाँ पे कई तरह के खनिज संसाधन हैं, इसके लिए भी हमें पूर्वोत्तर की आवश्यकता है। साथ ही साथ पर्यटन के दृष्टिकोण से ये काफ़ी अनुकूल है, पर्वत है, पठार है, कई सारे हिल्स स्टेशन है यहाँ पे, तो पर्यटन के लिए काफ़ी अनुकूल है, इसलिए भी हमें पूर्वोत्तर की आवश्यकता है। और साथ ही साथ पर्यावरण और पारिस्थितिक के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इको सेंसिटिव जोन है यहाँ पे, कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, कई तरह के पेड़ पौधा पाया जाता है, तो हमारे लिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इन जीव जंतु से, इन पेड़ पौधा से हो सकता है किसी नई तरह की औषधि का क्रिएशन हो सके, राइट। तो इसलिए भी हमारे लिए पूर्वोत्तर जरूरी है। पूर्वोत्तर राज्यों के बुनियादी क्या क्या विकास हुआ, अभी मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वरना ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है उस टॉपिक पे हमने आपके लिए चर्चा की आपके साथ। साथ ही साथ जब भी आप नोट बनाओगे अब, तो इस पॉइंट को याद रख लेना कि पूर्वोत्तर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और अगर कोई पूर्वोत्तर में सरकार कुछ काम कर रही है तो उसको अपने नोट में जाकर के आप ऐड कर लेना, राइट। एक बार एक सूत्र देख सकते हैं कि दिव्यांगों को राशन वितरित करने पे केंद्र हुआ गंभीर, दिव्यांग लोगों को भी अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो, आपको पता है कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 केजी अनाज प्रति व्यक्ति प्रति महीना दिया जाता है, आई रिपीट, अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 केजी अनाज प्रति व्यक्ति प्रत्येक मंथ दिया जाता है, तो दिव्यांगों को भी ये दिया जाए इसके लिए केंद्र सरकार गंभीर हो चुकी है,
अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अंत्योदय अन्न योजना आपके लिए जानकारी होना चाहिए, और साथ ही साथ दिव्यांगों को भी अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 kg अनाज दिया जाएगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो, राफेल की मारक क्षमता को बढ़ाएगी हैमर मिसाइल। राफेल इंडिया आ रहा है, और हैमर मिसाइल जो है ये भी फ्रांस सरकार से इंडिया सरकार परचेज कर रही है। हैमर मिसाइल इसी जो ये राफेल है, राफेल एक विमान हुआ, एक युद्ध विमान हुआ, और इसी में मिसाइल कुछ लगा रहेगा, उस मिसाइल में हैमर मिसाइल लगा रहेगा, जिससे राफेल की मारक क्षमता स्ट्रॉन्ग होगी। जहाँ राफेल को लगेगा मिसाइल दागना है, वहाँ पे मिसाइल दाग सकती है। तो याद रख लेना, राफेल फ्रांस से आ रहा है, 15 अगस्त को औपचारिक तौर पे भारत में शामिल हो जाएगा। ये भारत के चीन की सीमा पे इसको तैनात करने की चर्चा चल रही है। और इसके साथ साथ हैमर मिसाइल किस देश से हम ले रहे हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अधिक इम्पोर्टेंट है। हैमर मिसाइल हम परचेज कर रहे हैं किस देश से, तो हम फ्रांस से परचेज कर रहे हैं। एक बार इसको भी देख सकते हो, अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको देखना चाहिए किस तरह से चीन से नेपाल की नज़दीकी बढ़ रही है, और नेपाल जो है भारत को इनकाउंटर करने की कोशिश में लगा हुआ है। जो सीमा पे नेपाल के साथ सीमा पे जो पिलर था, वो पिलर गायब मिल रहा है। कुछ राज्यों में इस तरह की न्यूज़ आ रही है, जिसमें बिहार में न्यूज़ है इस तरह का, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का न्यूज़ है, और उत्तराखंड में भी इस तरह का न्यूज़ आ रहा है, राइट। तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बाकी इम्पोर्टेंट क्या है, नेपाल और इंडिया के क्या क्या रिलेशन है, तो कई बार हमने चर्चा किया है। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना। बहुत कम लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल इसलिए ज़रूरी है कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया आर्टिकल आता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको दैनिक जागरण के साथ डिस्कस करता हूँ एडिटोरियल, लेकिन दैनिक जागरण के अलावा भी तो जनसत्ता है, ट्रिब्यून है, पायनियर है, तो उसका इम्पोर्टेंट अगर एडिटोरियल होगा तो मैं उसको कट करके हाईलाइट करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। इसलिए जाकर के टेलीग्राम चैनल आप निश्चित तौर पर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप विजडम एजुकेशन सर्च करोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो डायरेक्टली या तो लिंक के माध्यम से आप चले जाओ, या टेलीग्राम चैनल पे जाकर के विजडम एजुकेशन सर्च करना, मेरा आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लेना। एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एडिटोरियल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, निजीकरण नहीं रेल के कायाकल्प का विषय। देखो, इसको लेकर के विवाद है। कई सारे लोगों का कहना है कि रेलवे के निजीकरण से बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, सकारात्मक पक्ष हो सकता है, रेलवे में सुधार हो सकता है, रेलवे में जो लेट लतीफी है वो लेट लतीफी समाप्त हो सकती है, रेलवे समय पर पहुँचना शुरू कर देगा। और कई सारे लोगों का मानना है कि रेलवे का अगर हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो एक गलत हाथों में रेलवे चला जा सकता है। तो दोनों को लेकर के हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, भारत की पहली तेजस प्राइवेट ट्रेन जो थी वो तेजस थी। तेजस ट्रेन भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन थी, और उसके सक्सेसफुल संचालन के बाद भारत सरकार डिसाइड कर रही है कि 151 नई ट्रेनों के माध्यम से निजी कंपनियों को अपने नेटवर्क पे यात्री ट्रेनों के संचालन की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू की है। यानी तेजस की सफलता के बाद 151 ट्रेन और चलाने की बात कही है, और ये मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल 2023 तक शुरू हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, भारत के पास अमेरिका, चीन, रूस के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। लगभग 68,000 किलोमीटर के आसपास का रेल नेटवर्क है इंडिया का। 60,000 से अधिक है, 60 से 70,000 के बीच में एग्जैक्टली है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। एक अनुमान के तहत रेलवे से प्रतिदिन 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं, और लगभग रेलवे में 13 लाख कर्मचारी हैं।
तो 13 लाख कर्मचारी के माध्यम से 2.5 करोड़ लोगों रेलवे में डेली यात्रा करते हैं। अब देखो निजीकरण के पक्ष में क्या क्या तर्क दिया जाता है। सबसे पहला कहा जाता है कि बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, यानी प्लेटफॉर्म अच्छा होगा, यानी रेल में बेहतर सर्विस होगा, रेल का इंजन अच्छा होगा, रेलगाड़ी के डिब्बे अच्छे होंगे, तो जो भी बुनियादी ढांचा प्लेटफॉर्म की स्थिति अच्छी होगी, तो बुनियादी ढांचा अच्छा होगा। और इसको लेकर के कई सारे विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इतना ट्रेन चलेगा 151 तो 30,000 करोड़ रुपये का रेलवे में निवेश होगा, जिससे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा। क्लियर है? अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है कि मांग तथा आपूर्ति में अंतर कम होगा तथा लोगों को सुविधाएं मिलेगी। आप रेलवे में तत्काल में टिकट लेते हैं और पता चलता है कि तत्काल में टिकट नहीं मिल रहा, तो जितना मांग है उतना आपूर्ति नहीं है, राइट? जितना आपका मांग है उतना आपूर्ति नहीं है। रेलवे में जाओ आप टिकट लेने के लिए, आपको टिकट मिलेगा भी नहीं। तो मांग और आपूर्ति में अंतर कम होगा अगर अधिक ट्रेन चलेगी, साथ ही साथ लोगों का सुविधा बढ़ेगा, लोगों को सुविधा मिलेगा, लोगों के पास अधिक ऑप्शन होगा, किराया में वृद्धि नहीं होगी। हालांकि इसको नेगेटिव पॉइंट में भी कंसिडर किया जा सकता, मैं चर्चा लास्ट में करूँगा नेगेटिव पॉइंट में। नेगेटिव पॉइंट में मैं चर्चा करूंगा कि निजीकरण के विपक्ष में जब मैं चर्चा करूंगा तब इसको इंक्लूड करूंगा, लेकिन फिलहाल ये समझ लो आप कि किराए में वृद्धि नहीं होगी, ये सकारात्मक संदर्भ में कैसे है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। यानी मान लो दो रूट के बीच में अगर बस चलती है और ट्रेन अगर चलेगा, तो ट्रेन वाला ये चाहेगा कि बस से किराया कम हो, साथ ही साथ अगर अन्य ट्रेन चल रही है उसी रूट में तो अन्य ट्रेन से भी किराया कम हो, ये प्राइवेट ट्रेन की भी डिमांड होगी, प्राइवेट ट्रेन के पास सोच होगा, प्राइवेट ट्रेन को भी दृष्टिकोण होगा। तो ऐसी कंडीशन में प्राइवेट ट्रेन को प्रतिस्पर्धा मिलेगी सरकारी ट्रेन से, और साथ ही साथ जो है बसों से, तो निश्चित तौर पे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किराए में वृद्धि नहीं होगी। तकनीकी इम्प्रूव होगा, पैसा अगर आएगा तो तकनीक डेवलप होगा, तेजस ट्रेन में अगर आप चढ़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी उसका तकनीकी अच्छा होता है, काफ़ी उसमें सुविधा मिलता है। जिस तरह से एयर होस्टेस होता है उस तरह से रेल होस्टेस भी होता है, ठीक है? तो तेजस ट्रेन में इस तरह की सुविधा है, तो तकनीकी सुविधा होगी और मेक इन इंडिया के अनुकूल है। ये सारी की सारी जो ट्रेन बन रही है वो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। 151 नई ट्रेन बनेगी, इंडिया में ही बनेगी, इंडिया सरकार को उससे पैसा आएगा, तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। अब देखो विपक्ष में क्या तर्क है। विपक्ष में तर्क है कि सीमित कवरेज व्यवस्था, यदि रेलवे का स्वामित्व भारत सरकार के पास रहता है तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह लाभ की प्रवाह के बिना राष्ट्रव्यापी नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। देखो होगा क्या, जैसे मान लो इंडिया का सबसे व्यस्तम रूट है दिल्ली से मुंबई का रूट, तो निजीकरण जो कंपनी होगी, निजीकरण जो व्यवस्था होगी, वो चाहेगी कि दिल्ली से मुंबई के रूट के बीच में उसे जितना अधिक से अधिक ट्रेन हो वो मिले। और अपना पूर्वोत्तर भारत, मान लो असम से कोई ट्रेन अरुणाचल प्रदेश जानी है, तो यहाँ पे तो कोई प्राइवेट कंपनी पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों की कमी है, आवाजाही की कमी है। यहाँ पे अगर प्राइवेट कंपनी पैसा लगाएगा तो उसका पैसा डूब सकता है, इस बात का खतरा होगा प्राइवेट कंपनी को। यानी जो व्यस्तम रूट है जहाँ अधिक से अधिक यात्री यात्रा करते हैं उस रूट में पैसा लगाएगी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और जहाँ पे हमें विकास की आवश्यकता है, जो विकास मतलब विकसित हो रहा है जो जगह, जहाँ पे विकास की सख्त आवश्यकता है, जो दूर दराज का क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे कंपनी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी, सबसे बड़ा खतरा। दूसरा तर्क देखो कि सामाजिक न्याय, निजी उद्यमों का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है और रेलवे में लाभ कमाने का सबसे सरल तरीका किराए में वृद्धि है। यानी देखो एक तो ये कंपनी जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में इन्वेस्ट नहीं करेगी, दूर दराज के क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्र में जो रेलवे होगा वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेगी, और दूसरा कि जो व्यस्तम रूट है दिल्ली से मुंबई का रूट लोगों को जाना ही है, तो ऐसे कंडीशन में किराया बढ़ा देगी इस रूट के।
एक तो काम आप दूरदराज क्षेत्रों में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, वहाँ पे प्राइवेट ट्रेन नहीं चला रहे हो, और दूसरा है कि जो व्यस्तम रूट में आपको गाड़ी मिल रहा है वहाँ पे किराया आप वृद्धि कर दे रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में किराए में जो वृद्धि है उसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही पॉइंट में आप कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी। निजी कंपनियां अपने व्यवहार में अप्रत्याशित होती है, मान लो किसी तरह की कोई दुर्घटना हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या निजी कंपनी उठाने में सक्षम है? नहीं, राइट। अन्य पॉइंट क्या है, सुरक्षा का प्रश्न। निजी कंपनियां विभिन्न विदेशी कंपनियों की साझेदारी से काम करता, बहुत सारी फॉरेन कंपनी के साथ काम करता मिल करके, तो फॉरेन कंपनी एक तो डाटा का चोरी होने का खतरा होता है, तकनीक के चोरी होने का खतरा होता है, अन्य तरह के हैकिंग का हो सकता है खतरा हो, तो क्या सुरक्षा का प्रश्न नहीं है निजी हाथों में निवेश को बढ़ावा देना, निजी हाथों में रेलवे का निजीकरण करना, राइट। पक्ष भी मैंने आपको बताया, विपक्ष भी मैंने बताया, कंक्लूजन आप निकालना। लेकिन क्या किया जाना चाहिए, दो तीन पॉइंट। नीति आयोग ने रिकमेंडेशन दिया था और इससे पहले योजना आयोग ने भी कहा था कि रेलवे को PPP मोड पर लाइए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकार और कंपनी दोनों मिलकर काम करें और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जानी चाहिए, सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी, निजी कंपनी की क्या जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए विवेक देवराय समिति बनाई गई थी, तो विवेक देवराय समिति काफ़ी रिकमेंडेशन दिया था, बहुत सारे पॉइंट इन्होंने कही थी, तो विवेक देवराय समिति के सिफारिशों को लागू किए जाने की आवश्यकता याद रख लेना। हो सकता है प्रीलिम्स में आपको यही पूछ दें कि विवेक देवराय समिति किस लिए स्थापित किया गया था, किस लिए बनाया गया था, तो रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए विवेक देवराय समिति की स्थापना की गई थी। उसके बाद स्वतंत्र नियामक बनाने की आवश्यकता है, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए, जैसे हमारे लिए बैंकों का रेगुलेटर है RBI, उसी तरह से रेल नेटवर्क का एक रेगुलेटर होना चाहिए जो रेल को के नेटवर्क को रेगुलेट कर सके। और अस्थाई मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए, यानी मूल्य एक फिक्स की जानी चाहिए, राइट। तो इस सारे की व्यवस्था किया जाना चाहिए रेलवे को लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये मैंने चर्चा किया, पॉजिटिव पॉइंट आपके साथ चर्चा किया, नेगेटिव पॉइंट चर्चा किया, और साथ ही साथ क्या किया जाना चाहिए ये भी चर्चा किया है, नीति आयोग का रिकमेंडेशन क्या है वो भी चर्चा किया, और विवेक देवराय समिति की क्या सिफारिश रही है वो तो मैंने चर्चा नहीं किया है, लेकिन विवेक देवराय समिति के रिकमेंडेशन को माना जाना चाहिए ये मैंने चर्चा किया। MSME के लिए डिजिटल कारोबार की राह आसान नहीं। इंडिया में जितने मजदूर हैं, जितने लोग काम करते हैं, टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, 93% लोग जो है असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, और 93% जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं लगभग सभी लोग MSME से जुड़े होते हैं। तो इंडिया में 93% के आसपास या उससे अधिक को हो बिजनेस जुड़ा हुआ है MSME से, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज से। तो थोड़ा सा MSME के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ, न्यूज पे भी मैं आऊँगा। माइक्रो इंडस्ट्रीज क्या है कि निर्माण और सेवा दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। स्मॉल क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज की निर्माण और सेवा दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए, और मीडियम इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम और निवेश टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए। अब देखो आंकड़ा क्या है, आंकड़ा क्या है कि 18-19 में 6.34 करोड़ जो है MSME देश में काम थे, 6.3 करोड़ संयंत्र MSME देश में काम कर रहे थे, मतलब इतना MSME का इंडस्ट्रीज देश में था। उसके बाद 11 करोड़ लोग MSME से रोजगार उपलब्ध होता है उनको, 11 करोड़ लोगों को MSME रोजगार उपलब्ध करवाता, और साथ ही साथ निर्यात में इसकी भागीदारी 25% है, 45% है, और GDP में 25% का योगदान है। तो भारत में जितना निर्यात होता है उसमें 45% MSME से निर्यात होता है, और GDP में 25% का योगदान सिर्फ MSME सेक्टर का है। तो ये सब बेसिक डाटा थे जो आपको याद होना चाहिए, जो आप कहीं भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं मेंस प्रोस्पेक्टिव से, और साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो न्यूज़ क्या, न्यूज़ पे आते हैं कि MSME के लिए डिजिटल कारोबार की राह आसान नहीं।
यानी डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है एमएसएमई में, एमएसएमई का मात्र 2.5% कंपनी ही डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहा, राइट। तो अभी भी एमएसएमई को ज़रूरत है डिजिटल ट्रांजेक्शन की, खास करके माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। जो मान लो किसी जगह छोटा सा दुकान है, मान लो कोई कपड़ा का दुकान है, कोई आपको पान का दुकान हो गया, कोई आपको चाय का दुकान हो गया, समोसा का दुकान हो गया, किराना का दुकान हो गया, सब एमएसएमई का पार्ट, और इसको डिजिटल ट्रांजेक्शन अपनाने की ज़रूरत। देखो ब्रिक्स ग्लोबल सप्लाई चेन की ओर बढ़ रहे भरोसेमंद देश, ब्रिक्स की मीटिंग हुई, ब्रिक्स की अध्यक्षता 2020 में कौन कर रहा है, आपको इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। 2020 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता किस देश के द्वारा संपादित की जाएगी या किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ब्रिक्स की मीटिंग जो हुई, व्यापार मंत्रियों की मीटिंग हुई, तो भारत की तरफ से जो व्यापार मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, वो इस मीटिंग में अटेंड किए और उन्होंने कहा कि ग्लोबल चेन की ओर बढ़ रहे भरोसेमंद देश। तो एक बार इसको आप देख सकते हैं, बाकी मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है चर्चा करना आपके साथ। एक सेकेंड, ओके, समय तो है हमारे पास, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है आप ये चर्चा करना आपके साथ कि चीन ब्रिक्स के देशों में चीन की अधिक महत्ता, ब्रिक्स चीन के बिना अधूरा एक तरह से कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या भारत को ब्रिक्स के साथ रहना चाहिए अथवा नहीं रहना चाहिए? क्यों कि जिस तरह से चीन इंडिया पे आक्रामक हो रहा है, और दूसरी बात कि ब्रिक्स का विरोध करता है अमेरिका, यूएसए का कहना है कि ब्रिक्स जो है इंडिया के यूएसए के खिलाफ बनाया गया, राइट। तो यूएसए ब्रिक्स का विरोध करता है, इंडिया को ब्रिक्स में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए आप खुद सोचना और हमें कमेंट सेक्शन में लिखना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव है, मैं भारत की विदेश नीति पर एक दिन चर्चा करूँगा और कोशिश करूँगा अलग से लेक्चर लेने का, क्योंकि इस लेक्चर में जो 30 से 40 मिनट का लेक्चर होता है उसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप खुद इसको सोचना कि क्या यूएसए के खिलाफ जाकर के इंडिया ब्रिक्स का सदस्य बना रहे हैं, क्या ब्रिक्स का सदस्य बना रहना इंडिया के फेवर में है या नहीं फेवर में है, राइट। इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं कि भारतीय मसालों से इम्यूनिटी बूस्ट करने में जुटी दुनिया, तो दुनिया के देशों में भारत का जो मसाला है उस मसाला का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, राइट। 34% 34% मसाले का निर्यात बढ़ा है, विश्व के देशों में भारत के मसाला की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है, कल भी मैंने डिस्कस किया था कि चीन अमेरिका के ह्यूस्टन में जो एक दूतावास था, जो वाणिज्यिक दूतावास था, चीन का वाणिज्यिक दूतावास था, उसे 72 घंटे में बंद करने की अमेरिका ने कहा चीन को कि आपको 72 घंटे में इसे बंद करना है। अब देखो ऐसी कंडीशन में दो चीज़ें हैं, अगर चीन में दूतावास अमेरिका का बंद, सॉरी अमेरिका में चीन का दूतावास बंद हो जाता है, अमेरिका और चीन का संबंध और ख़राब होगा। तो एक बात आप याद रख लेना कि भारत जो है चीन से जो व्यापार घटता, या चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग $50 बिलियन का है, चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा $50 बिलियन का है, लगभग ये होता है आपको 3 से 4 लाख करोड़, तो 4 लाख करोड़ मान लो, ये 4 लाख करोड़ रुपये चीन प्रत्येक वर्ष इंडिया से कमाता है, लेकिन अमेरिका से कितना कमाता है पता आपको? अमेरिका से लगभग इसका 8 गुना अधिक, यानी लगभग $400 बिलियन का प्रत्येक वर्ष चीन को प्रॉफिट होता है अमेरिका से। अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे आप तो लगभग 32 लाख करोड़ के आसपास प्रत्येक वर्ष अमेरिका से चीन कमाता है। आई रिपीट, इंडिया से चीन प्रत्येक वर्ष 4 लाख करोड़ के आसपास कमाता है, 4 से 5 लाख करोड़, और अमेरिका से प्रत्येक वर्ष 30 से 35 लाख करोड़ के आसपास चीन कमाता है, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, 4 से 5
$400 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो इतना प्रत्येक वर्ष चीन अमेरिका से कमाता है। तो अगर अमेरिका से चीन का रिलेशन ख़राब होगा या अमेरिका से चीन का व्यापार प्रभावित होगा तो वो कहाँ शिफ्ट होगा, वो इंडिया की ओर शिफ्ट होगा। इसको दूसरे तौर पर भी आप देखो, देखो एक अमेरिकन नागरिक से मुझे बात करने का मौका मिला और उनका कहना था कि उनके देश में जो है मिनिमम सैलरी जो है वो लगभग $5,000 है। $5,000 कितना हुआ लगभग, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो लगभग 3.5 से 4 लाख करोड़ के आसपास हुआ। तो अब सोच कर देखो कि चार लाख रुपया मंथली सैलरी होती है एक अमेरिकन की, एक एवरेज अमेरिकन की सैलरी 4 लाख रुपये मंथली होती है। तो जो कंपनी, मान लो जो कंपनी एप्पल की कंपनी है, उसका मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग हब चीन में है। क्यों? क्योंकि एप्पल अगर अपने देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब लगाएगा, तो वहाँ पे एक एम्प्लॉयज को उसे 4 लाख रुपये महीना देना होगा, तो उसको लेबर फोर्स काफ़ी सस्ता पड़ता है चीन में। और यहाँ पर उसको सेम चीज़ इंडिया में भी होगा, अगर एप्पल का प्लांट चीन छोड़ के इंडिया आएगा तो 4 लाख रुपए में आप सोचो यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। 4 लाख में लगभग 20 एम्प्लॉयज यहाँ पे उनको मिल सकते हैं, या कम से कम 15 एम्प्लॉयज तो उनको मिल ही जाएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा होगा, राइट। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिया को क्यों होगा, क्योंकि जो कंपनी अमेरिका की कंपनी, बहुत सारी कंपनी जिन्होंने चीन में इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने चीन में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगाया है, जो चीन में अपना उत्पादन कर रहे हैं उसके बाद पूरे विश्व को बेच रहे हैं, तो वो इंडिया आ जाएगी और इंडिया आने से उसको सस्ता लेबर फोर्स मिल जाएगा, राइट। तो निश्चित तौर पे भारत के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। अगर दोनों के बीच में संबंध खराब होंगे तो $400 बिलियन का एक अच्छा मात्रा में व्यापार इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। H1B वीज़ा को लेकर भी एक बार आप पढ़ सकते हैं, हमने कई बार डिस्कस किया है। तो मैं चाहता हूं कि इसको भी एक बार आप देख लेना, पंजाब के एक खिलाड़ी हैं जिसको स्वर्ण पदक मिल चुका है और उनको मजदूरी करना पड़ रहा है, काफ़ी ख़राब कंडीशन है पंजाब के, एक बार जाकर इसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में सफ़ेद हाथी प्रस्तावित है, बना नहीं है, तो बस याद रख लेना सफ़ेद हाथी झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह बन रहा है उसमें इसको शामिल करने की चर्चा चल रही है, प्रस्तावित है, अभी पास नहीं हुआ है और 15 अगस्त को जो है पास हो जाएगा, तो उसके बाद हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। देखो यहाँ पे छोटा सा दो न्यूज़ है, पहला न्यूज़ तो है कि चीन ने किया मंगलवार को मिशन लॉन्च, ये देखो मार्स मिशन, मंगल मिशन चीन ने 2011 में लॉन्च किया था जो चीन का फेलियर था। दुनिया का एकमात्र देश इंडिया ही है जिन्होंने पहले प्रयास में मार्स पे पहुंचा, यानी मंगल पे पहुंचा। भारत के मार्स मिशन का नाम मॉम था, भारत के मार्स मिशन का नाम यानी मंगल मिशन का नाम मॉम था। कुछ दिन पहले, आज से 2-3 दिन पहले हमने देखा कि UAE यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, इन्होंने मार्स मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था होप प्रोब। क्या नाम था? होप प्रोब, ठीक है। आज जो है, कल जो है लॉन्च किया है किसने, तो चीन ने एक बार फिर से मार्स मिशन लॉन्च किया है, मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है तियानवेन वन प्रोब। बस मंगल मिशन का नाम याद रख लेना, चीन के द्वारा तियानवेन वन प्रोब लॉन्च किया गया है, UAE के द्वारा होप प्रोब लॉन्च किया गया था, राइट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि चौथी औद्योगिक क्रांति, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ये पार्ट है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग क्या होता है, जैसे मान लो कागज़ के एक, किसी कागज़ का आपको प्रिंट कराना है, किसी कॉपी का प्रिंट करवाना है, तो उसको 2D प्रिंटिंग कहा गया। 3D प्रिंटिंग क्या होता है कि आपके शरीर का किसी अंग का, मान लो आपका आँख खराब हो जाता है, तो वैसी कंडीशन में आपके आँख का स्कैन करके
उसी के हूबहू आप क्रिएट कर देना 3D प्रिंटिंग है। आपका लीवर खराब हो गया, उस लीवर को स्कैन करके उसी तरह का लीवर क्रिएट कर देना, बना देना आर्टिफिशियली, इसे कहा गया 3D प्रिंटिंग। किसी का मान लो हार्ट खराब हो जाता है, तो नया हार्ट उसी तरह से, उसी मतलब सेम नया हार्ट जो आपका हार्ट है, उसी तरह का एग्जैक्ट हार्ट कॉपी करके स्कैन करके आपके शरीर का उसी तरह का हार्ट प्रिंट कर देना, हार्ट प्रिंट कर देना, उसको कहा गया 3D प्रिंटिंग। यानी आपके शरीर में अगर कोई भी अंग खराब होता है, उसी तरह का अंग क्रिएट कर देना 3D प्रिंटिंग कहा जाता है। इसलिए फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है, आने वाले 5-10 वर्ष में आप देखोगे इस पर काफ़ी बदलाव दिखेगा, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इंडिया की अग्रणी भूमिका हो सकती है। इसको लेकर के सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चर्चा किया है, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो फोर्थ ऑफिस था, विश्व में चौथी कार्यालय इंडिया के मुंबई में खुला हुआ, राइट। तो कभी मैं बाद में इस पर डिस्कस करूँगा, यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये टॉपिक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक वर्ष यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन इस पर पूछता है, 3D प्रिंटिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी, ऑगमेंटेड रियलिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ, उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ, मशीन लर्निंग पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक जो चौथी औद्योगिक क्रांति से संबंधित है यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि 3D प्रिंटिंग आखिर होता क्या है। चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो डेलाराम किस देश में है, सबसे पहले मैं मैप पे लेके चलता हूं आपको। ओके, हम मैप पे आ गए। देखो हमने चर्चा किया था कि ये जो है चाबहार पोर्ट है, यहां से जो ये जो रेल मार्ग बन रहा है, यहां से जाहेदांग, तो यहाँ से चाबहार से जाहेदांग का जो रेल मार्ग बन रहा है, उससे इंडिया को ऑफिशियली बाहर कर दिया है। किसने? तो ईरान ने। ईरान खुद इसको डेवलप कर रहा है। तो हमारी जो मेन कोशिश थी, हमारा जो परियोजना था, हमारा जो विकास था, हमारा जो औचित्य था, हमारा जो काम करने का मकसद था, चाबहार हम क्यों डेवलप कर रहे थे? चाबहार डेवलप करने का मेन रीज़न था कि चाबहार के माध्यम से हम सबसे पहले अफगानिस्तान में इन करेंगे, और उसके बाद हम मध्य एशिया के देश में चले जाएंगे। हम कजाकिस्तान जा सकते हैं, वहाँ से हम किर्गिस्तान जा सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान जा सकते हैं, अजरबैजान जा सकते हैं, राइट। वहाँ से रशिया भी हम इन कर सकते हैं। तो मेन हमारा मोटो ये था। तो सबसे पहले इसके लिए 3 रूट था। देखो यहाँ से लेकर के जाहेदांग, जाहेदांग कहाँ पे था? तो ये आपको ईरान में है। उसके बाद सेकेंड रूट इसके बाद डेवलप होना था जाहेदांग से लेकर जरांग, जाहेदांग से लेकर जरांग। तो जरांग कहाँ पे है? तो ये अफगानिस्तान में है। और तीसरा जो रूट जो डेवलप करना था वो जरांग से लेकर के डेलाराम। ये तीनों लोकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जाहेदांग ईरान में, जरांग आपको अफगानिस्तान में, और डेलाराम कहाँ पे है? तो ये भी अफगानिस्तान में। तो क्लियर है आपको कि डेलाराम कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। जो हम रूट बना रहे थे चाबहार के माध्यम से कनेक्टिविटी के लिए, उसका अंतिम माइलस्टोन था अफगानिस्तान का डेलाराम। तीनों ही लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।